सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित संभाल के रखे। यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा हम नमस्कार करते हैं। मैं वचन शेयर करना चाहता हूँ, भजन संहिता 69 का। मैं कुछ वचन को शेयर करना चाहता हूँ। ये जो हमारा वचन है, इसमें सुरक्षा के लिए प्रार्थना, परमेश्वर से सुरक्षा के लिए प्रार्थना यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि अपने सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना परमेश्वर से कैसे करें। ठीक है, हम इस वचन को पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। परमेश्वर का वचन हमको इस तरह से बता रहा है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा ले। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए। किसके लिए? विरोधियों के लिए, विरोधियों से बचने के लिए। यहाँ पे लिखा है, मेरे विरोधियों से बचा, जो हमारे विरोधी है, जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनसे बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, सुनकर उत्तर भी देते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। और यहाँ पे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। शत्रुओं से बचाने के लिए, विरोधियों से बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर जो है शत्रुओं से भी जो है विरोधियों से छुड़ाएंगे। हमारे जीवन में शत्रु जैसी समस्या, बीमारी जैसी समस्या जब आ जाती है, विरोधी जैसी समस्या आ जाती है, हमको सोचते हैं हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए। हर समय हर घड़ी प्रार्थना करने पाए, परमेश्वर उसको शत्रुओं से, शैतान से बचा ले, विरोधियों से बचा ले। परमेश्वर हमको आपको जो अवश्य बचाएंगे। और आगे लिखा है कि मुझको बुराई करने वाले के साथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। जो मेरे साथ बुराई करते हैं उनके हाथ से बचाने पाए। और लिखा है कि और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, हत्यारों से भी उद्धार कर। परमेश्वर का वचन हमको इसी प्रकार से कहता है कि जितने भी हमारे शत्रु हैं, हमारी हानि के लिए जितने भी ये दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनसे बचने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेंगे, आपकी सहायता मदद करेंगे। और लिखा है, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। वो सब किसके घात में है? मेरे ही घात में, आपके घात में शत्रु हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लिखा है, हे यहोवा, मेरा कोई दोष पाया नहीं तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते। हमारे अंदर कोई दोष नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई दोष नहीं रहेगा, फिर भी जो है बलवंत लोग हैं, शत्रु लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, हमारे पीछे पड़े रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको यही कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा ले। परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए। और लिखा है कि वे मुझको निर्दोष पर दौड़े दौड़ कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जो हम निर्दोष हैं, आप निर्दोष हो, फिर भी वहाँ पे लिखा है वे मुझ निर्दोष पर दौड़े दौड़ कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझ से मिलने के लिए जाग उठ और देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इसराइल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के योग्य जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह कर। जो हमारे साथ विश्वासघाती करते हैं, अत्याचार करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए, परमेश्वर उन सब से बचने के लिए हमारे ऊपर अनुग्रह करने पाए। वे लोग साँझ को लौट कर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे देख वे डकारते हैं,
उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। परमेश्वर, आने वाले दिन में जितने भी हमारे शत्रु हैं, हमारे विरोध में हैं, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उनके ऊपर हंसेगा। आने वाले दिन में उनके ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? हंसेगा। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए, परमेश्वर हमारा छुटकारा कर, हमारे शत्रुओं से बचाने पाए, हम परमेश्वर की ओर देखने पाए। वही परमेश्वर जो हमको छुड़ाता है हर अंधकार की शक्ति, हर बीमार की शक्ति। शत्रु कितना भी क्यों ना हमको घेरने पाए, आपको शत्रु कितना ना क्यों घेरने पाए, परमेश्वर आपकी हमारी सहायता मदद करेंगे। संसार के अंत तक प्रभु हमारे साथ रहेंगे, कभी न छोड़ेंगे, कभी न त्यागेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए और मुझे भी परमेश्वर आशीष देने पाए। आने वाले दिन में ऐसे वीडियो और यूट्यूब के द्वारा अपलोड करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता मदद करने पाए। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे, हमारे चैनल में बने रहे। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष देने पाए। सभी को गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।